श्री राजेंद्र राय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जो कार्य है वह अभिनंदनीय कार्य है, क्योंकि किसी भी शहर के इतिहास नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों का निर्माण उस शहर में रहने वाले व्यक्ति करते हैं। तो स्लीमन, जो आज़ादी के पहले तकरीबन 1832 और 36 के आसपास जबलपुर में रहे हैं, उन्होंने जो इस शहर के कई सारे ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें जबलपुर, महाकौशल, सागर, बुंदेलखंड, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, और उनके उस कृतित्व के कारण हमारे इस शहर का एक अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक महत्व हुआ है। तो उनके लिए जो ट्रेल निकालने वाले हैं, ताकि हमारे महाकौशल क्षेत्र की, जिसे हम संस्कारधानी कहते हैं या जिसे हम सिरमौर मानते हैं अपने पूरे मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर, तो उससे संबंधित तमाम ऐतिहासिक महत्वों को उजागर करने वाले दस्तावेज जो वो लेकर आए हैं, जिसे स्लीमन की डायरी के नाम से भी जाना जाता है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसकी जो ऐतिहासिकता को पूरे विश्व के सामने लाने का जो उनका एक, इसे मैं विश्व के स्तर पर बड़ा लघु प्रयास करूँगा कि ये बिल्कुल गिलहरी सदृश कार्य है। तो लेकिन चूँकि मैं खुद किसान का पुत्र हूँ, तो मैं छोटे बीज की बड़ी पैदावार में विश्वास रखता हूँ कि अगर आप खूब सारे आम पाना चाहते हैं तो एक गोही आपको धरती के अंदर रोपनी पड़ती है। तो उनका ये कृत्य बिल्कुल वैसा ही कृत्य है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको स्लीमन ट्रेल के लिए।